यूज से मैं सिंपली अपने इस वॉलेट के ऊपर मैं स्प्रे करता हूँ ऐसे। तो स्प्रे कर दें, इस तरह से स्प्रे कर दें आप, और ध्यान रखें कि आपकी सारी सर्फेसिस पे ये लग जाए। जैसे आप देखे होंगे हर तरफ से ये गीला हो गया है, तो गीला हो गया मतलब हर जगह वो अच्छे से लग गया है। तो लगने के बाद इसको आपने वाइप अप साथ के साथ नहीं करना, इसको आपने 5 मिनट्स के लिए 7 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके ऊपर कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ, कोई भी वायरस हुआ या बैक्टीरिया हुआ जो कि आपको नुकसान दे सकता था, आपके टच करते आप उसको आपके हाथों पे आता है, आपके हाथ पे आने के बाद आपके गलती से आपके नाक में मुंह में या फिर कहीं से भी एंटर कर जाता और आपको दिक्कत कर देता, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो इसी डिसइंफेक्टेंट की मदद से वहां से वो किल हो चुका होगा, मर चुका होगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे इसको आप छोड़ देंगे। सपोज कीजिए इसको 5-7 मिनट्स हो चुके हैं, इसलिए मैं पहले इसको ऑन कर लूंगा, जैसे कि मैंने पहले ऑन किया था आपके सामने, ये ऑन हो गया। तो उसके बाद ये मेमोरी बता दी 96.7 जो मेरा टेम्परेचर था, इसको मैं इनके सामने लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा ऐसे। ये देखिए 98, इसके टेम्परेचर आ गया 98, तो ये इनका टेम्परेचर है जिनका 98 डिग्री फारेनहाइट इनका टेम्परेचर है। तो अब इसके